नहीं तैयार लेने से नहीं मजा आएगा, अपनी आंखों के सामने हो गए ना तो वो अच्छा। कि सरसिया का तेल दिया जाता है, ये अभी 15 दिन चलेगा, 13 तारीख को खत्म, 14 तारीख को फ्री में। हाँ भाई वाह, ये हमारी दोनों फिर क्या तैयार होके आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। फिलहाल अहमदाबाद की कालूपुर गाइड मार्केट में आया हूँ। मुझे अपना जो मांझा है वो लेना है उत्तरायण के लिए। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये है शॉप। सो लाइक काफ़ी सारी दोरी, आप लोग को प्राइस के बारे में अंदाजा दूँ तो मैं लाइक ये जो 24 कैरेट अभी हम लोगों ने ली है, 9 तार आती है, 2500 वार है। इसका कुछ हम लोग को 300 के आसपास बोला है भैया ने। तो अभी हम लोग ये लेके जाएंगे कालूपुर स्वामीनारायण मंदिर के पास। कालू भाई है जो कि दोरी की घिसाई करते हैं, सालों से उनका एक्सपीरियंस है। चलिए तो हम लोगों ने ये दोरी ली, आप लोग देख सकते हो साकर 8 9 तार की है, 9 कॉर्ड्स और 2500 वार है। 2500 वार की दो ली है। सो ये आप लोग देख सकते हो हमारी दोरी अभी लेके गए हैं साकर 8। तो ये आप लोग देख सकते हो कालू भाई अभी हमारा जो ट्रेलर है वो लगाएंगे यहाँ पे एंड देन चालू करेंगे काम। तो ये देखिए आप लोग, जैसे अभी पूरा ट्रेलर आता है पूरा एक साथ यहाँ पे, फटाफट यहाँ पे पूरा इन्होंने रोल कर दिया, यहाँ पे लगा देते हैं फिर घिसाई होती है। दोरी कैसे फटाफट लगा रहे हैं। तो ये अभी हमारा दूसरा ट्रेलर भी लेके जा रहे हैं, ये जो लगाया है पहला वाला वो हमारा है, देन ये अभी सेकेंड दूसरा भी लगा रहे हो, दूसरा वाला ट्रेलर यहाँ पे ऊपर कालू भाई लेके जा रहे हैं, लगा रहे हैं। ये जैसे लगाते हैं उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो मसाला वो कैसे बनता है एंड कैसे ये घिसाई शुरू होती है यहाँ पे। ये चावल लिया है, अब उसमें हल्का सा पाउडर काट का डाल लें, ज़्यादा काट नहीं डालते। अच्छा। बढ़िया डोरी बनाते हैं, हाथ में ना लगे और दूसरे की काटे और काटे काटे ज़्यादा। डोरी बढ़िया बनाता हूँ मैं। कितने साल से करते हो कालू भाई? ये 55 बरस तो हो गया। सेम जगह पे? हाँ एक ही जगह पे, 55 बरस तो हो गया। वाह वाह वाह, क्या सालों का तजुर्बा है कालू भाई को दोरी घिसाई का। ये क्या डाला मसाला? ना ये जो है रंग है। अच्छा। होली के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है वो है। अच्छा। खाली हल्का सा डालने का और सही हो जाता है, कांच का पाउडर है। क्या कांच नहीं होता है, पाउडर होता है। अच्छा। और इससे जो है ना पतंग कटती है, पंछी नहीं कटता है। पंछी कटता है तो चाइना वाले से कटता है। और ये मसाला जो है बाल्टी में ये इससे जोर बनता है। ये है क्या मसाले में क्या है ये? इसमें जो है थोड़ा हल्दी पड़ा है, थोड़ा साबुन पड़ा है, ये सब जो है खाने वाला हिसाब किताब किया जाता है। जैसे सरसों का तेल लाओ, ये सरसिया का तेल दिया जाता है, इसलिए थोड़ा सा तो चिकना पड़ना रहे ना तो उसमें जाए उंगली पे असर ना आवे। क्या तो ये उंगली कटे नहीं जल्दी? उंगली कटे नहीं। ये जो है तैयार कर दिया, और ये तैयार करने का वक्त जाएगा भी सूटने सब। कितने चावल लगते हैं बनाने में? पूरे दिन में कम से कम 5-6 किलो लग जाओ। और वो 5-6 किलो चावल जो होता है उसमें बच्चे भी मान रहे हैं, उनकी मजदूरी भी निकालना है, अपना भी देखना है, सब कुछ देखना पड़ेगा। भाव बता दो क्या है? भाव जो है 500 रुपया लेते हैं, मगर मेहनत बहुत है। 500 कितनी दूरी का? 5000 बार का 500 लेते हैं, मेहनत बहुत है। मेहनत तो है भाई, देखो आप लोग देख ही सकते हो कितनी मेहनत है। का वस्तु हर चीज महंगा है, इसकी वजह से पैसा तो लेने पड़े। सही है। और पैसा नहीं लेगा तो आगे गाड़ी नहीं चले। सही है। नहीं तैयार लेने से नहीं मजा आएगा, अपनी आँखों के सामने हो ना तो वो अच्छा। इसका नाम है खड़िया खार, इसके लगाने में सब बिल्कुल सफाई हो जाती है, डोरी मजबूती आती है। अच्छा। ये पत्थर दबा हो जाता है, सोने पे सुहागा। अच्छा। अभी जो लोग जाएंगे ना खाना पीना खा के अब चालू होंगे। तो अभी पीछे आप लोग देखते हैं इनके जो सारे वर्कर्स है वो खाना पीना खा रहे हैं, अभी उसके बाद शुरू हो जाएंगे फिर से घिसाई के लिए। सो अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा कि हमने जो मसाला बनाने का जो तरीका था वो आप लोग को दिखाया, एंड अभी फिलहाल कालू भाई है उनके जो वर्कर्स है उनका खाने का टाइम हुआ है। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, नहीं तो फिर हम लोग ऐसा सोच रहे हैं कि हम थोड़ा बहुत खा पी के आ जाते हैं, क्योंकि हम लोग भी सुबह से आए हैं। तो बने रहिए वीडियो में।
चलो भाई किधर जाएंगे? सभी करेंगे थोड़ी पेट पूजा, यहाँ पे वड़ा पाव मिसल पाव खा के फिर जाते हैं फिर से कालू भाई के पास। क्या लगा रहे हो भाई हाथ में? हाथ में चावल लगा रहे। दूरी लगे नहीं इसके लिए? हाँ सही है। ये कार्ड लगा रहे? हाँ, ये जो मसाला कालू भाई ने बनाया था वो अभी लगाने जा रहे हैं। अब ये तुम्हारा घिसने जा रहे हैं सब भाई। भाई तुम्हारा दौरा घिसने जा रहे हैं? हाँ, हमारा दौरा अभी कालू भाई घिसने जा रहे हैं। अब जो बनेगा तो बढ़िया चकाचक बनेगा। तो अपनी फिरकी दो, अभी घिस जाता है, अपनी फिरकी दो बढ़िया बन जाता है चकाचक। जैसे पकड़ के आप दोरे अलग अलग कर रहे हो ना? हाँ, अलग अलग दोरा करना पड़ेगा, चिपक जाएगा तो मजा नहीं आता है। हर एक दोरे में अच्छे से कलर रखना चाहिए। हाँ, ये देखो बहुत बढ़िया धागा बन गया, चकाचक डोरी बनती है कल्लू भाई डोरी वाला सामने मंदिर कालूपुर। तो उनके हाथ आप लोग देख सकते हो, सारी डोरी अलग अलग करके सब अलग अलग है जो ना सब अलग अलग है। हाँ, और फिर पूरा जो मसाला है वो अच्छे से घिस रहे। वाह कालू भाई, वाह वाह भाई वाह, वाह कालू भाई वाह। ये भी अपने भाई है, क्या नाम है भाई तुम्हारा? सुनील भाई। ये देखो सुनील भाई आटी मार रहे हैं। हाँ बढ़िया घिसाई कर रहे हैं कालू भाई। ये कितनी बार हाथ मारना पड़ता है कालू भाई? तीन तीन छह हाथ मारना पड़ता है। ये एक बार पूरा लाइन में एक बार घिसते हैं यहाँ से लेके पूरा एक बार तक वहाँ एक बार में हो जाता है। अच्छा, तीन दूना छह, एक दो तीन चार छह, एक दो तीन ये आपका डोरा पूरा घिस गया है, टकाटक हो गया है। वाह वाह, अब ये डोरा नीचे का लिपट जाएगा तो ऊपर का लिपटेगा। बढ़िया डोरा टकाटक बना लिया है। ओके, और ऊपर का और घिसाई चल रही है? ऊपर की घिसाई चल रही है, बढ़िया डोरी आ रही है, बढ़िया डोरा बनाया है। बढ़िया घिसाई हो गई है ना? हो गई ना अपनी घिसाई? बड़ा टना टन हो गया। ये सूखने में कितना टाइम लगता है कालू? 5 मिनट। नीचे का हो जाए तो ऊपर का हो जाए, सूख जाएगा। ऊपर का सूख जाएगा 5 मिनट में हो जाता है। दिन में कितना रंग देते हो? दिन में कितनी दोरिया रंगते हो? दिन में कम से कम नहीं हो तो 30-40 दिन लग। कितने दिन तक चलेगा ये सब? ये अभी 15 दिन चलेगा। 15 दिन और सही है। 13 तारीख को खत्म, 14 तारीख को फ्री में। हाँ भाई वाह। तो ये देखिए अपनी दोरी काफी ज्यादा सूख गई है, 10-15 मिनट में तो सूख जाती है। अभी देखो एकदम सूख गई है, आगे तक देख लिया हमने। अब इसको लपेटने का काम कर रहे हैं भैया, यहाँ पे लपेट रहे हैं। ये देखिए अभी लपेटने का काम हो रहा है अपना डोरी। तो जो यहाँ से एक एक दो दो डोरी निकालते हैं नीचे एंड फिर यहाँ से खींचते हैं ना, एक एक डोरी निकाल रहे हैं यहाँ से पूरा लेयर एंड फिर लपेटी जा रही है खिड़की के अंदर। ये और ये दूसरी फिरकी लगा दी है हम भैया ने अपनी। एक फिरकी रेडी हो चुकी है अपनी, आप लोग देख सकते हो। और ये बढ़िया एक कोट लिखा हुआ है गुजराती में, काफ़ी बढ़िया लग रही है दोरी, एकदम आंखों के सामने मिसवाई हुई दोरी है। बाकी ये कालू भाई का ही है, आप लोग देख सकते हो डिटेल्स सारी यहाँ पे। कॉन्टैक्ट नंबर है कालू भाई का और एड्रेस भी आप लोग देख सकते हो, स्वामीनारायण मंदिर के पास कालूपुर। और ये हमारी दूसरी फिरकी भी रेडी हो चुकी है। ये हमारी दोनों फिरकियाँ तैयार होके आ चुकी है, आप लोग देख सकते हो। कि इधर रंगने का तो आपको मैंने प्राइस बताया, 1000 बार का 100 रुपये लेते हैं कालू भाई। चलिए कालू भाई चलिए, तो अगर किसी को भी आना है यहाँ पे तो आ सकता है यहाँ पे। एड्रेस के बारे में बताऊँ तो स्वामीनारायण मंदिर के एग्जैक्ट पास में ही है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो ये वीडियो मांझा मेकिंग का, कि कैसे मांझा प्रिपेयर होता है, कैसे इसको घिसाई होती है मांझे की, ये सब कुछ मैंने इस प्रॉपर ब्लॉग में दिखाया आप लोगों को। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर देना, क्योंकि वहाँ पर भी मैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ एंड फोटोज़ वगैरह डालता रहता हूँ।